ये चीज किसी एक इवेंट से पहले, पास्ट के किसी एक इवेंट से पहले ही कोई चीज खत्म हो जाए, ठीक है? पास्ट परफेक्ट, वी हैड बीन प्लेइंग दिस फॉर दिस, ये वाले, ठीक है? कुछ याद आए तो पहले तो शुरू हुआ था, बाद में आप एंटर किए, और अभी चल रहा है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट से अगर मतलब ये पास्ट की तरफ देखें, तो ये चीज हम सिंपल पास्ट में रखेंगे, इस चीज को हम परफेक्ट में रखेंगे, परफेक्ट। और ये चीज होगा बिफोर, ठीक है? बिफोर जो भी थी, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। ठीक है, अगला सवाल। वैसा ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। बाय द टाइम वी विल, ये फ्यूचर की बात हो रही है, एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो, फिर से फ्यूचर की बात हो रही है। सर बी गलत है। सर बी में विल हटके ऐसा होना चाहिए था, बाय द टाइम वी गेट आर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो बताइए सर आंसर। गलती बी में है। अच्छा, और अब आंसर बताइए। सी, सी में क्या गलती है? सी अच्छा, बी में। अच्छा, पहले सी में बताइए, सी में क्या गलती है? द शो वॉज, आप कह रहे हैं, और कोई जवाब क्या आप लोग भी ट्राई करिए, कुछ क्या जवाब है? फ्यूचर की दो चीजें हो रही हैं, ये आप प्रेजेंट में खड़े हैं, और भविष्य में दो चीजें होनी है, ये पहला इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है। पहला इवेंट जो होगा, आप दोनों के लिए विल यूज नहीं करेंगे, पहला इवेंट आप रखेंगे सिंपल प्रेजेंट में। ओके इफ आई कम टू दिल्ली, आई विल मीट यू, जो बाद वाला, जो और फ्यूचर वाला इवेंट है, जो सेकंड इवेंट है। तो बाय द टाइम वी विल गेट अवर टिकट एंटर द सिनेमा हॉल, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो यानी कि सर यहां से बी वाले में बी बिल हट जाएगा। यही चीज है, बाय द टाइम वी गेट, तो वी विल नहीं करेंगे हम, बाय द टाइम वी गेट अवर टिकट्स द शो विल हैव स्टार्टेड। तो इसका सही जवाब है बी, भविष्य के दो चीजें। और इस टाइप के सेंटेंसेस आप थोड़ा सा एक दो बार बोल के दिमाग में बैठाइए। बाय द टाइम वी गेट अवर टिकट्स, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। तो आप, आपके दिमाग में खुद से थोड़ा सा एक पैटर्न जैसा दिमाग बनाने लगेगा, सबकॉन्शियसली आपको फिर गलती पकड़ में आने लगेगी, यार ऐसा ऐसा यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों पता नहीं, लेकिन एक दिमाग पैटर्न बना देता है। बाय द टाइम वी गेट अवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा हॉल, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। कि हमने यहाँ कंडीशन क्या रखी थी, कि जब तक कि हम ये करेंगे तब तक वो हो चुका हो।
या आप इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, आपने कंडीशन क्या रखी, बाय द टाइम वी गेट अवर टिकट्स, यहाँ पे चीज शुरू हो चुकी होगी। So sir, I was right, no sir, because I said B. अच्छा आप अगला करिए, सातवां सवाल। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। सर बी। अच्छा बी नहीं सर, सर सर बी में क्या गलती है सर, आफ्टर की जगह बिफोर होना चाहिए। आफ्टर की जगह बिफोर आप कह रहे हैं, और नो सर, सर बी नहीं होगा, सर सर बी, सर डी, नो एरर। डी में क्या, ही की जगह शी। अच्छा और डी, सर डी, सर डी, सेवेंथ का बताइए, नो एरर, सर डी, नो एरर, सर डी, नो एरर, सर डी, नो एरर। डी कितने लोग कह रहे हैं नो एरर, कि ये सेंटेंस सही है। सर मैंने हैंड रेस कर दिया। अच्छा देखना शुरू करते हैं, गौरी टोल्ड पास्ट हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, पास्ट की बातें हो रही हैं। पास्ट में दो चीजें हो रही हैं, और गौरी टोल्ड मी हिज नेम, गौरी ने मुझे इसका नाम बताया आफ्टर, ये रहा प्रेजेंट। पास्ट में दो चीजें हो रही हैं, तो जो पास्ट वाली चीज है इसको आप सिंपल पास्ट में रखेंगे, और जो दूर वाली चीज है, जो पहले जो एक्शन हुआ, उसको आप रखेंगे हैड के फॉर्म। तो पहले क्या हुआ, गौरी ने नाम बताया कि वो निकला था, पहले वो निकला था फिर नाम बताया। Yes, sir. तो आफ्टर ही गौरी हैड टोल्ड मी हिज नेम बिफोर, पहले नाम बताया, पहले मतलब पहले वो निकल गया ना, पहले वो लेफ्ट की लेफ्ट पहले निकल गया, बाद में उसका नाम बताया गया, टोल्ड मी हिज नेम। तो इसको आप सिंपल पास्ट में रखेंगे, Gauri told me his name after he left. He had. आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, बिफोर मैंने क्या जैसे कहा था कि बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट आएगा, बिफोर के जस्ट बाद, और जो अदर फ्रेज होगा उसमें हैड आएगा। ये छोटा सा मैंने जैसे बताया था आपको, पैटर्न भी एक दिखाया था। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ है, Before this, जो पहले जो चीज हुई, गौरी टोल्ड मी हिज नेम बिफोर, ठीक है, तो ही लेफ्ट हैड में आएगा, टोल्ड मी हिज नेम सिंपल पास्ट में आएगा, ठीक आंसर है। चलिए अगला करते हैं सवाल, आठवां करिए। Many festivals. ये डू नहीं, डी है, बताइए। तो सर डी मतलब नो एरर हो गया। सर डी हो गया, इसमें तो कोई एरर नहीं है। और बताइए कितने लोग कह रहे हैं कि नो एरर है, कि सही है। सर मैं सर मैं ए में क्या गलती नजर आ रही, ए वाले क्या है, तो
ए वाले कह रहे हैं कि हैव का हैड होना चाहिए। अच्छा सी में क्या गलती नजर आ रही है किसी को? सी में सी में क्या गलती नजर आ रही है? सी में गलती ढूंढ ले तो और बता। अच्छा इस सेंटेंस कह क्या रहा है? हम कई सदियों से ये त्योहार मनाते आए हैं, तो यानी कि कई सदियों पहले एक चीज शुरू हुई जो कि चल रही है और अभी भी चल रही है। तो वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग अवर फेस्टिवल्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली बात है, प्रेजेंट वाला पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट अभी भी चल रही है। अगर हमने त्योहार मनाने शुरू किए होते, काफी टाइम मनाए होते और छोड़ दिए होते, तो ये पास्ट की बात हो जाती, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये सिंस भी है, सिंस दोबारा से बताऊं, फॉर या सिंस और ड्यूरेशन कहीं देखो, सेंचुरीज यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब गलती क्या दिखाई दे रही है? पहली चीज तो गलती यहां नजर आ रही है कि सिंस के बाद हम क्या यूज करते हैं? इवेंट का पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन है ये, सेंचुरीज ड्यूरेशन है। तो हम यहां फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये सब चीजें सही है, ये भी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स, बिल्कुल सही है। सिंस सेंचुरीज नहीं, फॉर सेंचुरीज, हम सैकड़ों सालों से ये मनाते आए हैं। ठीक है, तो सर सिंस भी तो सही होगा। हाँ सर, सिंस भी तो हो सकता है। सिंस नहीं होगा, सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लगाते हैं। अगर हम कहेंगे सिंस 1971, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम, तब वो सिंस आता है। ठीक है, और सिंस के सेंस में भी मैं आपको जैसे बता दूं सिंस कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे यहीं पे आपको सिंस का बताता हूँ। अच्छा फॉर एंड सिंस, तो सिंस कहाँ कहाँ यूज होता है? तो जो कैलेंडर की चीजें हैं, He has been doing this since Wednesday, या since 27th. He has been dieting since September. तो कैलेंडर वाली चीजें सिंस में आती हैं। इसके बाद क्लॉक वाली चीजें भी सिंस में आती हैं। He has been waiting outside the room since 3 o'clock. ठीक है, क्लॉक वाली चीजें भी सिंस में आती हैं। इसके बाद सिंस में और आता है स्टेजेस ऑफ लाइफ, जिंदगी के पड़ाव। ही हैज बीन डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क सिंस चाइल्डहुड। या सिंस हिज मैरिज, एक इवेंट ऑफ लाइफ या स्टेज ऑफ लाइफ। और हम इसके लिए और भी करते हैं, पार्ट ऑफ डे। ही हैज बीन स्टैंडिंग इन द क्यू सिंस इवनिंग। तो इन सारे केसेस में हम सिंस का यूज करते हैं। और फॉर का यूज कहां करते हैं? फॉर का यूज हम सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन में करते हैं। फॉर He has been living in Delhi for 10 years. He has been doing this for 6 months. Since October for 2 months. जैसे मान लीजिए आपने अभी क्या महीना चल रहा है, अभी जून चल रहा है, आप अगर मान लीजिए 2 महीने से आप स्विमिंग सीख रहे हैं, तो आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे I have been learning swimming since April. April आपने पर्टिकुलर पॉइंट बताया, उस पॉइंट के बाद से कोई चीज चल रही है और अभी भी चल रही है, तो आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस अप्रैल। और अगर आपको 2 महीने वैसे बताने हैं, तो आई हैव बीन डूइंग लर्निंग स्विमिंग फॉर 2 मंथ्स।
कि सामने वाले को पता हो जाए, अच्छा 2 महीने से सीख रहा है तो इतना इतना सीख चुका होगा, इतना बचा होगा। ठीक है, तो ये सिंस और फॉर, तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, कभी भी सेंचुरीज मिलेनियम्स ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यहाँ पे फॉर आएगा। सिंस 1971, सिंस अक्टूबर, सिंस इवनिंग, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वहां पे सिंस आएगा। ठीक है, तो ये सिंस और फॉर के यूजेस। अच्छा, अगले पार्ट पे आते हैं, 9th क्वेश्चन करिए। सर हमें फुल क्वेश्चन दिख नहीं रहा। अच्छा हाँ, ये ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगन टू कैच अप विद हिम। सर बी। अच्छा, बी में क्या गलती नजर आ रही है? सर बिगन नहीं होगा, बिगन होगा, BEGUN। बिगन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बिगन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओल्ड एज बुढ़ापा और जर्जरता, हैड बिगन टू कैच अप विद हिम, पास्ट की बात है और किसी ड्यूरेशन के सेंस में कहा गया होगा कि ओल्ड एज इन पे हावी होने लगी, पास्ट की बातें हैं। तो हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो बिगन को बिगन, ये सही है, तो सही आंसर बी, ध्यान रखना है इस चीज का, पास्ट परफेक्ट हैड बिगन, ही अगर हाल के टाइम में कोई गया है तो ही हैज गॉन और ही हैड गॉन। आप चलिए 10वां बताइए। The passerby told us where was the marriage hall and even led us to it. सर आई थिंक बी में गलती है। बी। अच्छा, बी में क्या गलती नजर आ रही? सर मुझे लगता है ऐसा होगा, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर इज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। आपने वही चीज तो बोल दी। सर मुझे नहीं, सर मैंने कहा वॉस की जगह इज आएगा मेरे ख्याल से। वॉस की जगह इज आएगा, ये तो वैसे नहीं होगा क्योंकि हमें दिख रहा है द पासर बाय टोल्ड अस, टोल्ड का मतलब पास। सर वॉज की जगह हेड आ सकता है, यहाँ पे लेड अस, ये भी पास की तरफ ये दिखा रहा है, तो ये इज तो नहीं आएगा, वेयर इज द मैरिज हॉल तो नहीं आएगा, हैड वेयर हैड द मैरिज हॉल ये कहा आपने? नहीं सर। यस यस सर मैंने कहा, ये हैड भी नहीं होगा। यहाँ पे ये सेंटेंस वैसे देखा जाए तो सही सा लग रहा है, टेंस के लिहाज से सही सा है। यहाँ पे गलती जानते हैं क्या हो रही है, कि ये जो वेयर है आपने यहाँ पे या वेयर लगा है, वेयर से आप ये चीज याद रखिए, हम जब कहते हैं वेयर आर You. सर ऐसे होना चाहिए था फिर तो इसको where the marriage hall was। जब हम कहते हैं where are you तो ये question mark बन जाता है, तो where ये एक ऐसा शब्द है कि where के just पास में अगर आप एक इस तरीके से verb लगा दें तो एक question बनाएगा, where verb and subject।
और जब आपको क्वेश्चन मार्क हटाना हो तो आपको अगर आप कहें वेयर यू आई एम कमिंग टू वेयर एवर यू आर तो ये क्वेश्चन नहीं है, आई एम कमिंग टू वेयर यू आर ये सवाल नहीं है, और वेयर आर यू सवाल, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब वेयर से आप दूर लगाएंगे तो ये सवाल नहीं है। The passerby told us where the marriage hall was and even led us to it. ऐसा होना चाहिए था। हाँ, where the marriage hall was यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ पे आएगा। End में। तो यहाँ से आप एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि question कोई चीज question है कि नहीं, ये भी एक सवाल है। अगर कई बार ऐसा होगा कहीं पे भी आप वेयर पूछें या व्हाट वेयर व्हाट हाउ ऐसे कभी भी सवाल आएंगे तो हेल्पिंग वर्ब अगर जुड़ी है हाउ आर यू ये सवाल है, हाउ यू आर आई केम हियर टू सी हाउ यू आर तो वो क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। सर ए में गलती है, सर ए में गलती है, सर हैव की जगह हैड होना चाहिए था। सर ए में गलती है, सर हैव की जगह हैड होना चाहिए था। देखिए शौर्य आपका जवाब मैं सुन गया, बार बार मत बोलिए, दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए, एक बार बोलिए जवाब बस। अच्छा ये कौन थे, अमृतेश। खैर तो क्या ए वाले जो कह रहे हैं क्या गलती बता रहे हैं, हैव की जगह हैड होना चाहिए, हैव की जगह हैड होना चाहिए। अच्छा क्यों, क्योंकि 2 years अगो है तो पास्ट होना चाहिए। अच्छा और बी, बी में कोई गलती? नो सर। और चलिए बस 5 मिनट में ब्रेक लेते हैं। सी लग रहा है, सी में क्या गलती लग रही है? 2 years तो ड्यूरेशन है, तो सिंस फॉर भी हम कोई ड्यूरेशन नहीं बता रहे हैं कि कोई चीज लगातार थोड़ी चल रही है, तो बस कह रहा 2 साल पहले हमने चीज खत्म कर दिया। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो, तो पहली चीज तो अगर आई हैव पास, अगर आप ये कहें आई हैव पास्ड तो ये है परफेक्ट फॉर्म जो कि आपके एक्सपीरियंस को दिखाता है, तो ये चीज बिल्कुल सही है, आपका एक्सपीरियंस है, आई हैव डन दिस, आई हैव अचीव्ड दिस। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम जैसे ही दे दिया गया, आपको यहाँ पे टाइम दे दिया गया, टाइम वो भी पास्ट का, तो आप क्या यूज करेंगे? पास्ट का टाइम अगर कभी भी दे दिया गया तो आप यूज करेंगे सिंपल पास्ट, क्योंकि आप नोटिस करिए जब आप कहते हैं आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, सिर्फ आप इतना कहते हैं तो यानी कि आपकी काबिलियत बताता है, आपका एक्सपीरियंस बताता है। यहां पे मान लीजिए कानून अगर कुछ ऐसा आ गया किसी कंपनी में कि आपने एग्जाम 2 साल के अंदर या में ही करना चाहिए, 4 साल पहले किया हो तो नहीं चलेगा, तो अब टाइम इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को कहते हो कि आपने, आपसे कोई पूछे आपने क्या एजुकेशन लिया है, तो आप जब कहते हो कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो आप टाइम नहीं बताते हो, आप सिर्फ इतना बताते हो ना आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम हियर हियर हियर, टाइम नहीं बताते क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर टाइम इंपॉर्टेंट हो गया है तभी आप बता रहे हो, तो जब आप टाइम बता रहे हो तो फिर ये सिंपल पास्ट हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आए सिर्फ आप लिखेंगे पास्ट, आई पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो, क्योंकि यहाँ इस केस में जो आप बोल रहे हैं यहाँ एग्जामिनेशन पास करना बड़ी चीज नहीं है, सबने एग्जाम पास कर रखा है, 2 साल में किया है कि नहीं ये बड़ी चीज। ठीक है, तो जैसे ही पास्ट का टाइम आएगा आप यूज करेंगे क्या, सिंपल पास्ट। ठीक है, फिलहाल एंड करते हैं सेशन आज का, और अगले सेशन में इसी के आगे के सवाल फिर डिस्कस करेंगे।
ओके सर, ओके सर।